सितारगंज में ईद की नमाज ईदगाह में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ पढ़ी। साथ ही देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई है, जिसको लेकर बहुत ही खुशी है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ईदगाह पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। पवित्र त्यौहार के उपलक्ष्य में आज शांति व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई है, ट्रैफिक को रोका गया है और ईद सकुशल सफल हो गई है। कोई भी किसी तरीके से यातायात नहीं चलेगा, ये पहले से बता दिया जाता है। उसको लगाम लगी हुई है और सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई और वो लोग खुश रहें। गर्मी के बीच एक महीने मुसलमानों ने बहुत जोश और उल्लास के साथ रोजे रखे, तरावी की नमाज़ पढ़ी और आज सुबह मस्जिदों में सुबह से लोग नमाजी जाना शुरू हो गए और पढ़े नमाज पढ़ी। उसके बाद एक दूसरे से मिलने के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद देश के लिए बड़ी दुआ मांगी गई कि हमारा देश में सुख शांति रहे, अमन बना रहे, कोई ऐसा फिसाद ना हो, लोग हिंदुस्तान के लोगों को परेशानी हो। हमसे मिलने हिंदू भी आए, सब लोग हमारे त्यौहार में शामिल रहे और यहाँ हमारे सितारगंज में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अलग रहती है, सब मिलके त्यौहार मनाते हैं। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे के घर जाते हैं।